इन्हों ने रुतबा छड़िया, इन्होंने आई जी का रुतबा छड़ के सारे पंजाब च आम पार्टी इन्होंने जुड़ी आ, इन्होंने आम पार्टी की सरकार लैंदी आ। जिस बंदा काम करने वाला वा उस बंदे ने इन्होंने शहर से रखा आया वा। ये बड़ी शर्म की गल आ, ये सरकार वास्ते ये काम करने वाले जेड़े डरते जेड़े क्रैम करने वाले सी इन्हों का ना सुन सुन के भजदे सी, अज शरेआम क्रैम हो गया था। कोई किसी का कोई गाली मार सकी आ, सरकार बुरी तरह यह फेल हो चुकी आ। असि फिर भी इन्हों का बहुत धन्यवादी हाँ। ये साडे समाज की गल है, कुछ साडे दो मुद्दे आ जिन्हें संत समाज ने ऐलान किया सी, सरदारी नाथ जी ते बाबा मलकीत नाथ जी जिन्हां ने धरना लगा। जे किसी मीडिया वाले ने बात हाँ जी, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज का जो मुद्दा पावन वाल्मीकि तीर्थ का, सरकार ने साडे नाल वादा किया है कि जो पावन वाल्मीकि तीर्थ के उत्ते सैन बोर्ड बनया वा उन्होंने भंग करांगे। भंग की बजाय उन्होंने जरा सारा पक्का कर दिता वा। इस रोस के जी अज संगत जी इकट्ठी हुई है, सरकार को जरा वो दसा जाऊगा कि किस तरह तोड़ना वा। अगली कार्रवाई तीन दिन का साडा इतने पड़ा वा, जो ना होगा फिर तिना दिनों तो बाद जो पंजाब बंद किया जाएगा तीन दिन वास्ते। हाँ पक्का बंद रहेगा। कोई विधायक नहीं पाया, कोई सरकारी बंदे उन्हों का नहीं मतलब हटना। पहले जो सरकार बन तो पहले सरकार ने वादा किया है, ये अं उन्होंने वोटा ही ता पाइया ही कि अं ता साइन बोर्ड तोड़ांगे। हाँ देखो, जो मैं कारपोरेशन दे विच आया सी, कारपोरेशन दे विच इन्हां दी कुछ होर मंग सी। इत्थे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इत्थे कुछ होर मांग है, खास करके जो संत समाज इत्थे आया हुआ है, संत समाज दा असीं सवाल करदे हां। जो इन्हां दी मांग है बिल्कुल जनमी दी मांग है, और मैं सरकार दे नाल अफसर साहिबान दे नाल पहला भी गल कीती है। जो मांग पत्र इन्होंने दिता है वो मांग पत्र भी मैं लिखती तौर पर भी जबानी तौर पर भी सरकार के सामने रखांगा। बतौर MLA मेरी यही ड्यूटी है, जनता की कोई मांग है या जनता की आवाज़ है, जनता की गल है, सरकार तक ले जाना, सरकार की प्राप्ति जनता तक लेके आना, एक MLA का यही काम होंगे है। चाहे असी असैम्बली दे विच गल करते हाँ, तुसी देख चुके होगे असी जनता की गल असैम्बली दे विच चुकते हाँ, कदे भी असी अपनी गल नहीं की, निजी गल नहीं की। आम तौर पर तुसी लीडरां नूं देखते हो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी देखो मैं जो इन्हां दी डिमांड है, डिमांड बिल्कुल जनमी है, और यह मैं सरकार तक लेके जावांगा, और मैं उम्मीद है कि सरकार इन्हां मुद्दों का समाधान करे। नहीं देखो, ये मैं नहीं कह सकता हाँ, क्योंकि मैं देखो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हाँ, सरकार का हिस्सा हाँ। धरने के बारे देखो, संत समाज जो फैसला करेगा जी, संत समाज को असी कुछ भी नहीं कर सकते। जेकर गब्बर साहब होंगे, जेकर कोई होर होंदा, अपने बाबा जी होंगे बलबीर सिंह जी, अपने विश्व वाल्मीकि एकता दे बाबा बलबीर सिंह जी, इन्हों तो असी बेनती कर सकते कि धरना तुसी हटा लो, लेकिन क्योंकि संत समाज है असी उन्होंने नाल भी बहुत ही देखो सत्कार नाल बाद दे विच गल करांगे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट देखो इन्हों का है शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का अधिकार संविधान दे विच हुंदा है। इन्होंने आप ही कहा कि सड़क नहीं रोकणगे, कल परसों इन्हों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलेगा, वो असी रोक नहीं सकते। लेकिन मैं बेनती जरूर इन्हों नूं करांगा, मैं पहला भी बेनती की है इन्हों नूं कि तुसीं प्रोटेस्ट जो है हुण मतलब एक सांत्वना दे के जो भैन भरा आए ने प्रोटेस्ट खत्म करो। लेकिन देखो इन्हों भी है कि आश्वासन चलो मैं दे दिता, लेकिन एक कितना कारगर हुंदा है
मैं तो देखो 3-4 दिन हो गए जब तो पता लग गया सी, ये सारे एमएलए साहिबान दे कोल जांदे रहे ने, सारे अफसरां दे कोल जांदे रहे ने, मेरे कोल भी आए सी के तो मैं सारेयां दे नाल ही टच हां गल कीती है, अफसरां दे नाल भी ते सियासतदान दे नाल भी। साडी एक कोशिश रही कि इहनां दी मांग पूरी हो जाए, लेकिन बहुत दिक्कतां दा सामना करना पै रहा है, इसे करके मैं बेनती कीती है। मैं तो कल भी इहनां नूं बेनती कीती सी कि तुसीं प्रोटेस्ट ना करो, क्योंकि मंत्री साहब नूं मिल के आए ने, समस्या दा समाधान देखो इत्थे कोई टिक्का टिप्पणी ना कराओ, क्योंकि देखो जो प्रोटेस्ट चल रहा हुंदा है इत्थे जो बोलना सी मैं भी बोल लिया, ठीक है कि नहीं। इन्हां दा जो मांग पत्र है मैं ले लिया है जी, ये मान साहब तक तुसीं जरूर पहुंचा दे। देखो ना तुसीं बस हौसला रखो, थोड़ा सा हौसला रखो।